जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके साथ ये एक मोबाइल शेयर करने वाला हूँ। जी देख लें जी, आप वीवो वालों का है, ठीक है जी। और मॉडल कौन सा है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। और मैंने ये परचेस किया है, पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस है। और दूसरी बात ये है जी कि PTA अप्रूव्ड के मुतल्लिक भी आपको बता दूंगा मैं, क्योंकि ये भी बहुत फड्डा है ना। अभी आप सऊदी अरब से आ रहे हैं तो टाइम तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी जी आपका मोबाइल चलेगा नहीं पाकिस्तान में, कुछ माह के बाद बंद ही होना है वो भी एक मोबाइल, ठीक है जी। तो बात ये है जी कि ये मैंने कितने का लिया, क्या सूरत वाला है, मोबाइल भी आपको दिखाता हूँ और इसके प्राइस से भी अपडेट कर देता हूँ जी। तो ये मोबाइल है जी, सबसे पहले आप मोबाइल की लुक देख लें, देख लें जी। ये सनशाइन गोल्ड आप इसे बोल सकते हैं, वैसे गोल्डन कलर में ही गोल्ड कलर है जी इसका। और ये साइडों पर जो लुक दी गई है ये इसमें शाइनिंग गोल्ड की है, तो बैक साइड पर भी वैसे शाइनिंग गोल्ड है, लेकिन इस मोबाइल की ये खासियत है जी, ये अगर आप धूप में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर ये कलर चेंजिंग है जी, वहाँ पर आपको ये ब्लू एंड सब कलर की शायद शाइनिंग देता है। और वैसे मैंने न्यू लिया है अभी, ये आज 2 दिन हो गए हैं सिर्फ। और अगर वैसे आप यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख रखे हैं, ये गोल्ड कलर में ही है जी। नीचे वाली साइड पर आप स्पीकर लेंगे एंड आप टाइप सी एंड ड्यूल सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है इसमें। और पावर ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम अप डाउन। एंड कैमरों के मुताबिक आपको बता दूं जी, 64 मेगापिक्सल का इसमें मेन कैमरा रखा गया है। और आपको एक चीज़ ये भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैं इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर जो डिस्प्ले के अंदर है जी, एंड ये जो ऊपर वाली साइड पर आप देख सकते हैं नॉच इसमें छोड़ी गई है जी, ये बेसिकली आईफोन टाइप का आपको लुक आएगी। वैसे तो फुल डिस्प्ले भी बनाया जा सकता है इन प्राइस में, जो मैं आपको प्राइस भी इसके पर बता देता हूँ मैं, लेकिन बात वही है जी कि ये एक स्टाइल इस टाइप का इसका क्रिएट किया गया है कि ये आईफोन टाइप की लुक दे। और ऊपर से ये जो नॉच छोड़ेगी ये देख लेंगे आप, इससे आईफोन वैसी जैसी ही लुक आती है। बहरहाल जी वीवो ने आप आईफोन की कॉपी बोल रहे हैं या की है ये जो भी है जी, लेकिन बैक साइड से तो आईफोन की कॉपी बिल्कुल नहीं है, एंड वीवो की अपनी लुक है। और ये मॉडल है जी वीवो V23। और इसके वैसे स्टोरेज के मुताबिक आपको बता दूं मैं, ये जो है जी 256 GB है 12 GB रैम के साथ, यानी कि 12+4 GB, ठीक है जी, 12 GB रैम प्लस 4 GB, यानी कि 16 GB रैम टोटल बनती है, लेकिन हम इसे 12 GB ही बोलेंगे। और साथ में 256 GB स्टोरेज है, 6400mAh का इसका डिस्प्ले है। बैटरी की बात करें तो आपको 4200mAh की इसमें बैटरी मिल जाती है, 1 डे तो भाई इजीली चलती है। साथ में डाटा केबल है एंड हैंड फ्री, एंड एक ये साथ में आपको हैंड फ्री लगानी है तो नीचे वाली साइड पर भाई हैंड फ्री की जगह नहीं है, आप चार्जिंग वाली जगह पर ही हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं, उसका ये दिया गया है जी। आप बोल रहे हैं जो कि हेड है साथ में, मैंने अभी वैसे पकड़ से निकाला नहीं है। चार्जर इसका 44 यानी कि 44 वाट का फास्ट चार्जर है जी, जो इसके साथ दिया गया है। और कुछ बंदे क्लेम करते हैं जी इसकी बैटरी कम है 42 mAh की, तो मैं ये बोलता हूँ जी 4200mAh की बैटरी भी बहुत है, क्योंकि फास्ट चार्जर है, 44 वाट का फास्ट चार्जर है, वो भाई कितना टाइम लेगा इसको चार्ज करने में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तो बात वही है जी कि हर बंदे की अपनी सोच है। अभी प्राइस के मुताबिक बात कर लेते हैं जी, जो मैंने ये परचेस किया है जी पाकिस्तानी मार्केट से, ये आप की 1 लाख रुपए बोल रहे हैं यार, 1 लाख रुपए में मैंने परचेस किया है, और इसमें कुछ कम बोल सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए ही है यार। तो ये पाकिस्तानी मार्केट में इसका रेट है, वैसे ये 90,000 का था, अभी मोबाइल फिर से महंगे हो चुके हैं पाकिस्तान में, इसलिए इसके प्राइस भी हाई हो चुके हैं। तो PTA अप्रूव्ड है जी, आप इसमें सिम लगाएं जैसे मर्जी, नो टेंशन। आपको पता है जी मैं सऊदी अरब से 3 मोबाइल लाया और तीनों के तीनों मेरे बंद हो चुके हैं, वाईफाई डिवाइस तक मेरी बंद कर दी गई है। तो ये मैंने इसलिए बेसिकली परचेस किया, इससे मैं आपको सेल्फी कैमरा चलाते हैं, देख लें जी, ठीक है जी। ये सेल्फ़ी कैमरे का इसका रिज़ल्ट है। मैं वैसे बेसिकली मैंने इसको लिया भी इसीलिए, चलो चैनल के लिए भी यूज़ होता रहेगा, वैसे जिस वीडियो से भी जिस कैमरे मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली चैनल मैं इसी से चलाता हूँ, लेकिन इसको भी लिया है, चलो चैनल से यूज़ भी होता रहेगा, और साथ में लुक वगैरह मुझे अच्छी लगी है जी। तो पाकिस्तानी प्राइस के आपको मैंने मार्केट में बता दिए, सऊदी अरबिया में ये 2000 के करीब है, या हो सकता है जब न्यू आया था उस टाइम 2000 प्लस में था, अभी 2000 के यानी कि 1900 कुछ रियाल का आपको मिल जाता है। तो आपको मोबाइल कैसा लगा है, महंगा है सस्ता है, इसके मतलब ज़रूर बताइएगा।